सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका भाई सिखाने वाला है आप लोगों को कुछ इस टाइप का सेव एडिटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो एडिटिंग। देन गाइस, आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का एडिटिंग सीखना है तो देन गाइस आप लोगों को वीडियो को फॉलो करना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देन गाइस हमारे जो वीडियो है उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारा स्नैपशीट है देन उसको हम लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को सो रहा होगा देख सकते हो प्लस वाला आइकन, देन इस पर क्लिक कर लेना है। जिस भी मॉडल को आप लोग एडिट करना चाहते हो देन गाइस उस मॉडल को आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन ओके गाइस, तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारे वाला मॉडल है देन उसको हमने अपना स्नैपशीट के अंदर ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले यहाँ जाना है हम लोगों को अपना टूल्स पे, क्योंकि गाइस टूल्स पे जाने के बाद यहाँ हम लोग सबसे पहले जो अपना लाइट एडजस्टमेंट करेंगे। टूल्स पे आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ से आप लोगों को ले लेना है सेलेक्टिव टूल। देन ओके गाइस, सेलेक्टिव टूल ले लेने के बाद आप लोगों का जहाँ जहाँ फेस ब्लैक एंड डार्क धब्बे हैं वहाँ पे कुछ इस टाइप से टाइप करके आप लोगों को साइज को डिक्रीज करके कुछ इस टाइप से कर लेना है। देन उसके बाद जो आप लोगों का ब्राइटनेस है उसको कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है। दूसरा वाला आप लोगों का जो है उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ लगभग इसको 5% इंक्रीज कर लेना है। तीसरा वाला को आप लोगों को यहाँ डिक्रीज कर लेना है और चौथा वाला को आप लोगों को कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेना है। देन ओके गाइस, तो इसी तरह से गाइस आप लोगों को अपने फेस पे कुछ इस टाइप से अप्लाई कर लेना है। देन ओके गाइस, तो देन गाइस यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं आप लोगों को जो फेस स्मूथ एवं बैकग्राउंड एडिटिंग और सब को आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देन गाइस यहाँ जो हमारा पहले लाइट एडजस्टमेंट है उसको मैं यहाँ जल्दी से कर लेता हूँ। देन ओके गाइस, सो गाइस आफ्टर ऑल आप लोगों को कुछ ही टाइप से कर लेना है। देन ओके गाइस, उसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को इस फोटो को अपना यहाँ से एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ से शेयर कर लेना है अपना ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। देन गाइस वहाँ करेंगे जो हमारा मॉडल है उसका फेस स्मूथ। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन इसको हमने अपना ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को एक ब्रश ले लेना है। तो देन गाइस कौन सा ब्रश है मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को यहाँ जाना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे। देन ओके गाइस, ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन यहाँ से आप लोगों को ये वाला ब्रश ले लेना है, ठीक है, स्मज राउंड ब्रश। इसको ले लेने के बाद देन गाइस इसका मैं सेटिंग भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हम लोग सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो जो साइज है उसको आप लोगों को अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ाते घटाते रहना है। और जो दूसरा वाला है उसको 5% रखना है, जो तीसरा वाला है उसको 6%। देन लाइब्रेरी पे क्लिक करके आ जाएंगे बैक। देन ओके गाइस, और जो अपना मॉडल है उसको करेंगे जूम, ठीक है, कुछ इस टाइप से जूम कर लेंगे। और यहाँ हम लोगों को अपना जो ब्रश का साइज है उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से देख लेना है। और जब भी आप लोग अपना फेस को स्मूथ करो गाइस तो आप लोग जो अपना मॉडल का फेस है उसको कुछ इस टाइप से अच्छे से जूम करके ही करना, तभी आप लोगों का फेस जो एकदम प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ हो पाएगा। आफ्टर ऑल आप लोग जूम करके निकल तो देन आप लोगों का जो ब्रश का निशान है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग जूम करके ही आप लोग अपना फेस को स्मूथ करते हो तो देन गाइस आप लोगों का जो ब्रश का निशान है वो नहीं आएगा। यहाँ देख सकते हो कितना औसम तरीका से और एकदम प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों का जो फेस है वो एकदम औसम तरीके से एकदम आसान से स्मूथ हो जाएगा। देन ओके गाइस, तो आफ्टर ऑल आप लोग भी कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लेना। तो देन गाइस आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आता है तो देन गाइस आप लोग मैं जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे आप लोग करना, आप लोगों का फोटो जो सेम मेरे तरीके से एडिट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग आते हो हर वीडियो को देख कर चले जाते हो तो देन गाइस आप लोग अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हो, तो गाइस प्लीज़ चैनल पर नए हो तो भाई को अपने सपोर्ट करो। देन ओके गाइस, तो फाइनली गाइस जो हमारा फेस स्मूथ है उसको हम लोग यहाँ जल्दी से कर लेते हैं। देन ओके गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देन गाइस जो हमारा मॉडल का फेस उसको हम लोग यहाँ जल्दी से स्मूथ कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल का फेस है कितना औसम तरीके से स्मूथ हो चुका है। देन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जो अपना मॉडल का लिप्स है उसको हम लोगों को पेंट करना है। यहाँ देख सकते हो कितना खराब लग रहा है। तो देन गाइस इसके लिए आप लोगों को यहाँ जाना होगा, यहाँ देख सकते हो ऊपर पे एक ऑप्शन शो होगा आप लोगों का ये वाला, ठीक है। देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक प्लस वाला आइकन शो होगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को एम्प्टी लेयर शो हो जाएगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है गाइस। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ से आप लोगों को नॉर्मल की जगह इसको कर लेना है आप लोगों को सॉफ्ट लाइट। देन ओके गाइस, उसके बाद जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को आ जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पे। ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन ए वाला आप लोगों को ब्रश ले लेना है। सेटिंग भी आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं है इसमें सेटिंग। देन ओके गाइस, तो यहाँ लाइब्रेरी पे क्लिक करके आ जाएंगे बैक। यहाँ से आप लोगों को एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अपने हिसाब से एक कलर सेलेक्ट करना। देन हम लोग अपना रेड कलर सेलेक्ट करेंगे लिप्स के लिए। आफ्टर ऑल हमारे जो मॉडल है उसको जूम करेंगे, साइज को हम लोग कुछ इतना सा
यहाँ बड़ा कर लेंगे। ओके गाइस, यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप से अच्छे से यहाँ पेंट कर लेना है। टॉप्टरल गाइस यहाँ देख सकते हो कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। पेंट कर लेने के बाद देन यहाँ से आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद जो हमने अपना एम्प्टी लेयर क्रिएट किया है उस पर क्लिक करके यहाँ ऑपोजिट को आप लोगों को डिक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे 25%। देन उसके बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है गाइस। देन यहाँ से अपना थ्री डॉट वाला ऑप्शन है, देन उस पर जाकर फोटो को कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद देन गाइस इस पिक को लेकर जाना है हम लोगों को अपना फोटो रूम के अंदर। सो गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा फोटो रूम है, देन उसको हमने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ आप लोगों को जाना है स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे, देन ओके गाइस। और जो भी हमने अपना मॉडल का भी फेस स्मूथ किया था वो वाला पिक को यहाँ ले लेना है। ठीक है, ले लेने के बाद देन गाइस ये ऑटोमेटिक ही जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा कुछ इस टाइप से। रिमूव हो जाने के बाद देन क्या करना है आप लोगों को, यहाँ जाना होगा ब्लर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, ब्लर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन से होगा नीचे पे, यहाँ देख सकते हो बैकग्राउंड का, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को रिप्लेस का ऑप्शन शो होगा, देन यहाँ से हम लोग रिप्लेस पे क्लिक करके जो अपना बैकग्राउंड है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप लोगों को बहुत सारा ऑनलाइन भी बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो देन गाइस यहाँ से हम लोग नहीं लेंगे, देन यहाँ से हम लोग अपना माई फोटोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग जो अपना बैकग्राउंड रखें उसको कुछ इस टाइप से ले लेंगे, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे आफ्टर ऑल कुछ इतना सा। देन उसके बाद क्या करेंगे गाइस, और हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इस फोटो को हम लोगों को यहाँ से कर लेना है अपना सेव टू गैलरी। सेव कर लेने के बाद देन गाइस अब क्या करना है, इस फोटो को लेके जाना है हम लोगों को अपना जो पिक्सआर्ट के अंदर। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है, देन इसको हमने अपने पिक्सआर्ट के अंदर ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को सबसे पहले जब अपना फोटो उसका रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने के लिए आप लोगों को जाना होगा टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ आप लोगों को आ जाना है रिसाइज पे। देन उसके बाद जो आप लोगों का ये वाला अमाउंट शो हो रहा होगा इसको कट करके यहाँ आप लोगों को टाइप कर लेना है 6000, रिसाइज पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों का अमाउंट दिखाएगा उसको टाइप करके यहाँ रिसाइज पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोग रिसाइज नहीं करोगे तो देन गाइस आप लोगों को जो फोटो की क्वालिटी है वो लॉस हो जाएगा, तो देन आप लोग रिसाइज कर लेना। देन ओके गाइस, उसके बाद देन क्या करना है, जो हमारा हेयर है वो देख सकते हो बहुत ही खराब लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बड़ा करना है जो अपना मॉडल का हेयर है उसको। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से जाना होगा अपना टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ देख सकते हो ये वाला, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस अब क्या करना है आप लोगों का, जो मॉडल उसको जूम करना है। और आप लोग जहाँ जहाँ अपना हेयर को बड़ा करना चाहते हो आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ धीरे धीरे से जो अपना मॉडल का हेयर है कुछ इस टाइप से यहाँ बड़ा कर लेना है। ठीक है, तब ट्रोल गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा हेयर है वो बड़ा हो चुका है। देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इस फोटो को यहाँ से कर लेना है राइट। देन ओके गाइस, राइट कर लेने के बाद देन क्या करना है, अब हमें यहाँ थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद देन अपना जाना है ऐड फोटो पे। ठीक है, ऐड फोटो पे के जाने के बाद देन गाइस जो हमारा मॉडल का पिक है देन उसको हम लोगों को कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है। इसको हम लोगों को यहाँ सेम पोजीशन पे कुछ इस टाइप से बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद देन क्या करना है, यहाँ आप लोगों को शो हो रहा होगा ऊपर पे इरेजर टूल, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ से आ जाना है इरेजर पे, यहाँ हार्डनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देन उसके बाद जो हमारा ऊपर का साइड है उसको हम लोगों को यहाँ साइज को बड़ा करके कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से। यहाँ देख सकते हो चुका है गाइस। उसके बाद देन क्या करना है आप लोगों को, यहाँ इरेजर पे फिर से क्लिक कर लेना है, हार्डनेस को कम करना है, ओपेसिटी कम करना है, साइज कम करना है। देन ओके गाइस, यहाँ आप लोगों को और उसके बाद यहाँ हल्का हल्का से कुछ इस टाइप से यहाँ साइड को आप लोगों को इरेज कर लेना है आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से। ठीक है, इतना हो जाने के बाद देन यहाँ से हम लोग को इसको कर लेना है राइट पे क्लिक। ठीक है, अब इसको हम लोगों को मैचिंग कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों को जाना होगा यहाँ थोड़ा सा स्वाइप कर लेते हैं पहले। स्वाइप कर लेने के बाद देन गाइस उसके बाद यहाँ आप लोगों को आ जाना है इफेक्ट टूल पे। देन ओके गाइस, इफेक्ट टूल पे आ जाने के बाद देन यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा कलर का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को शो होगा कलर रिप्लेस का, देन उस पर क्लिक करके आप लोगों का जो बैकग्राउंड है उसको कुछ इस टाइप से क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है, तो उसके बाद देन यहाँ से आप लोगों को जितना आप लोग ग्रीन रखना चाहते हैं अपने जो बैकग्राउंड उसको उस टाइप से आप लोगों को कुछ इस टाइप से रख लेना है, जैसे कि हम लोग कुछ इस टाइप से रख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से कर लेंगे हम लोग राइट। देन ओके गाइस, आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो उसके बाद जो हमारा पिक है कितना औसम तरीका से लग रहा है। देन ओके गाइस, उसके बाद अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इस फोटो को सीधा यहाँ से हम लोग कर लेना है राइट। राइट कर लेने के बाद देन गाइस अब क्या करना है हम लोगों को, इस फोटो को लेके जाना है अपना ड्रॉ टूल के अंदर, फोटो को कर लेना है यहाँ थ्री डॉट पे जाके सेव टू इमेज।
सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन इसको हमने अपना लाइटरूम के अंदर ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन होगा, यहाँ देख सकते हो कलर वाला, देन इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ सबसे नीचे में आप लोगों का जो सेचुरेशन है उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। यहाँ वाइब्रेंस को भी आप लोगों को कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना है गाइस। उसके बाद देन यहाँ से आप लोगों को आ जाना है मिक्सर टूल पे। मिक्सर टूल पे आ जाने के बाद जो आप लोगों का फर्स्ट कलर है उसका लुमिनेस को आप लोगों को इंक्रीज कर लेना है अपने हिसाब से। देन दूसरा वाला कलर है उसका भी लुमिनेस को आप लोगों को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस टाइप से, ताकि जो आप लोगों का फेस है वो एकदम मौसम तरीका से ब्राइट हो जाए। देन ओके गाइस, उसके बाद आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर जो हमारा फेस है वो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन ओके गाइस, जैसे कि हमारा शर्ट का कलर है देन गाइस उस हिसाब से यहाँ आप लोगों को अपना जो कलर है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम लोगों का ये वाला कलर है तो हम लोग कुछ इस टाइप से चेंज करेंगे। तो देन गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल के यहाँ शर्ट का कलर है कितना औसम तरीका से चेंज हो चुका है। तो देन गाइस अगर आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से कलर रहेगा तो आप लोग कुछ इस टाइप से अपना कलर चूज करके कुछ इस टाइप से कलर को एडजस्ट करके चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है, इस फोटो को हम लोगों को यहाँ से कर लेना है डन। उसके बाद आ जाना है इफेक्ट टूल पे, देन क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। देन उसके बाद आ जाना है लाइट पे, लाइट पे आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करना है या कंट्रास्ट को थोड़ा सा देना है, ठीक है। देन ओके गाइस, इतना हो जाने के बाद देन यहाँ से हम लोगों को फिर से आ जाएंगे इफेक्ट टूल पे, देन यहाँ विग्नेट को थोड़ा सा करेंगे माइनस। आफ्टर ऑल गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा कॉन्सेप्ट है बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो यार प्लीज़ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल कर देना, ताकि जब भी आपका भाई इस तरह के वीडियो लेके आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।